हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने एमसीक्यू चला रखी है और वो भी किस पे चला रखी है, वस्त्र विज्ञान के टॉपिक के ऊपर। वस्त्र विज्ञान के टॉपिक है ये, वस्त्र विज्ञान का एमसीक्यू नंबर 2 है ये, ठीक है। आज कल वाले एमसीक्यू पे हमने देखा था कि नायलॉन के रेशे के ऊपर 15 प्रश्नों की चर्चा की थी और आज हम करेंगे, एक तो करेंगे लिनन के ऊपर, लिनन का वस्त्र, और एक करेंगे जूट वाला वस्त्र। इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोनों ही वस्त्र क्या है, आपके वानस्पतिक जगत के रेशे आते हैं। जूट भी आपको पता है तने से मिलने वाला रेशा है और लिनन भी आपका वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो दोनों ही रेशों के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्य क्या प्रश्न इनसे बन सकते हैं, उन प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिनन लेते हैं। लिनन का आजकल प्रचलन है, वो लिनन के वस्त्रों में काफी चल रहा है क्योंकि गर्मी के उपयोग का मकसद इससे पूरा होता है। इस लिनन के वस्त्रों में गर्मी है, हमें बहुत ही कम महसूस होती है, इसलिए हमें लिनन वाले वस्त्रों का प्रयोग है वो गर्मी के लिए अच्छा माना जाता है। इसको देखेंगे, लिनन का रेशा प्राप्त होता है एक फ्लैक्स नाम का पौधा होता है जिससे हमें लिनन का रेशा है उसकी प्राप्ति होती है। विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन है वो रूस में होता है। लिनन का जो पौधा होता है ये फ्लैक्स पौधा है, ये फ्लैक्स पौधा है वो इस तरीके का डंडी नुमा पौधा होता है, नीचे इसमें खाली जड़ होती है और ऊपर कुछ ही इसके अंदर इस तरीके के बीज जैसे डंठल जैसी इसकी आकृतियां होती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, खाली एक डंडी के रूप में ही इसकी आकृति है वो देखने को मिलती है। काफी लंबा होता है ये पौधा भी, करीब 6 से 10 फीट के जितनी इसकी हाइट होती है और लंबा होता है। तो विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपका कहाँ पे होता है, रूस में होता है। तीसरा प्रश्न है, लिनन की भूमि किसे कहा गया है, तो लिनन की भूमि है वो मिस्र को कहा गया है। सर्वोत्तम किस्म का लिनन का उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वोत्तम, देखो लिनन इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके के बन रहे हैं। विश्व में लिनन का उत्पादन पूछा जाए तो आपको रूस बताना है, लिनन की भूमि पूछा जाए तो आपको मिस्र बताना है, और सर्वोत्तम किस्म का लिनन का उत्पादन पूछा जाए तो आपको आयरलैंड बताना है। यानी अच्छा किस्म का, बढ़िया किस्म है वो लिनन की कहाँ पे होती है, आयरलैंड में होती है। और लिनन की अगर भूमि पूछी जाए तो वो मिस्र होती है, और विश्व में खाली सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए तो वो रूस में होता है। उत्तम कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति किससे होती है, अब उत्तम कोटि यानी अच्छी क्वालिटी का जो रेशा होता है वो किससे होता है, आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। नीले रंग नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधे से, ये जो फ्लैक्स का पौधा होता है इसमें दो तरीके के फूल आते हैं, एक में नीले रंग के फूल आते हैं और एक में आपके सफेद रंग के फूल आते हैं। तो दो क्वालिटी के ये फ्लैक्स के पौधे होते हैं, एक में नीले और एक में सफेद फूल। तो जिस पौधे के अंदर नीले रंग के फूल आते हैं उसमें रेशा प्राप्त होता है, वो इस तने से प्राप्त होता है, तो वो अच्छी क्वालिटी का लिनन बताया जाता है। तो यहाँ पे यही बात पूछी है कि नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधे में अच्छे रेशों की, उच्च कोटि के रेशों की प्राप्ति हमें लिनन के पौधे से होती है। लिनन के छोटे रेशों को क्या कहा जाता है, लिनन में ये वाला जो रेशा होता है ये लंबा रेशा और बड़ा रेशा होता है, और कुछ हिस्से छोटे रेशे जो ऊपर वाली टहनियां वगैरह होती है तो उससे हमें छोटे रेशे प्राप्त होते हैं, इन छोटे रेशों को टो कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कंघी करने पर, जिसको हम कॉम्बिंग की प्रक्रिया है वो कॉटन मैंने पढ़ाया था, तो कॉम्बिंग क्यों की जाती है, ये कॉम्बिंग इस तरीके से जो हमारा कंघा होता है वैसे ही इसकी रेशों की कॉम्बिंग करने के लिए एक तार का
बना हुआ कोम्ब होता है, जिसके माध्यम से रेशे क्या होते हैं, हमारे समानांतर हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं, और छोटे रेशे होते हैं वो हमारे झटके अलग हो जाते हैं। तो ये कंघी करने से रेशे सुलझ कर सीधे व समानांतर करने की प्रक्रिया होती है। पूछा जाए कि कंघी क्यों की जाती है रेशों के ऊपर, तो सुलझ जाएंगे और समानांतर हो जाएंगे, एक बराबर रेशे हैं वो समान आकृति के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे। लीलन के रेशों का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीले रंग का लीलन के यहाँ पे जो रेशा निकलता है ये हल्के पीले रंग का रेशा होता है। लीलन को सफाई और धुलाई करना आसान होता है, क्यों, जो लीलन का कपड़ा है उसकी धुलाई और उसकी जो सफाई होती है वो हमारी आसान मानी गई है। इसका कारण क्या है, क्योंकि भीगने पर इसकी मजबूती है वो बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ती है, 20% है वो इसकी मजबूती है, वो और अधिक बढ़ जाती है। तो भीगेगा वस्त्र तो मजबूती बढ़ेगी, तो उसको हम किसी भी तरीके से रगड़ के, कूट के, ब्रश मार के किसी भी तरीके से धो सकते हैं। और जैसे ऊन में हमने देखा था कि भीगने पर उसकी जो मजबूती है वो 30% तक कम हो जाती है, तो कम होने का मतलब है उसको हम न तो इस तरीके से रगड़ सकते हैं, न उनके ऊपर ब्रश मार सकते हैं, न उसको मोगरी से हम कूट सकते हैं। तो ये देखा गया है वस्त्र जितना ज्यादा मजबूत होगा उसकी धोने की और उसके सार संभाल की प्रकृति है उतनी ही हमारी आसान देखी जाती है। जलवायु कैसी होनी चाहिए, किसकी, लीलन के पौधे को जब बोया जाता है तो उस समय जो खेतों का जलवायु पूछी जाती है तो वो कैसी होती है, तो समशीतोष्ण व आर्द्र और नम जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नम जलवायु यानी जो बरसाती मौसम होता है ना, जिसमें सीलन होती है, उस तरीके की जलवायु इसके लिए बढ़िया मानी गई है, क्योंकि लीलन की जब खेती हो जाती है तो इनको पानी के अंदर, इसको जड़ के समेत पौधे को उखाड़ा जाता है और फिर इसको पानी में डाल के और करीब 12 से 15 दिनों तक, ये भी आपको ध्यान रखना है, 12 से 15 दिन तक इनको पानी में डुबोकर भिगोकर रखना है, ताकि जो इसके तने के ऊपर जो ऊपरी भाग होता है छाल वाला वो उसका गल जाए, या फूल पत्ती जो भी इसके अंदर लगी हुई है वो गल के अलग हो जाए और उनमें खमीरीकरण की प्रक्रिया उठ जाए। फिर इन रेशों को कूटा जाता है और कूटने के बाद इसके अंदर से बारीक मुलायम रेशे की हमें प्राप्ति होती है। तो ये इसे मतलब तने से जो प्राप्त करने की प्रोसेस होती है उसको पानी में भिगोना होता है, भिगोने के बाद उसको कूट कर और उनसे रेशा करने की अलग प्रोसेस अपनाई जाती है। तो ये हमारे लीलन हुआ। अब हम चर्चा करेंगे जूट के रेशे पर। जूट आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी क्या है, पहला प्रश्न मैंने यही रखा है कि जूट के रेशे प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, इसी तरीके के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। हमने तीन देखे थे, एक तने से प्राप्त होने वाले, एक हमारे फूल से प्राप्त होने वाले या बीज बोल सकते हो, बीज से लिख लो पहला, तो पहला बीज वाला रेशा, फिर तना वाला, और फिर हमने देखा था पत्ती वाला। तीन प्रकार के वनस्पति जगत से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो ये जूट है, लीलन है, ये सब क्या हमें तने से प्राप्त होने वाले रेशे मानते हैं। जूट के रेशे छूने पर कैसे होते हैं, चमकीले और चिकने होते हैं और कड़कीले होते हैं। कड़कीला मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें कड़कीला चमक होती है लेकिन कड़कीला होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है बांग्लादेश में। कहाँ पे होता है, बांग्लादेश में। जूट का पौधा होता है एक वर्ष, यानी एक वर्ष के अंतर्गत ही इसकी खेती मानी जाती है। जूट का पौधा होता है एक वर्ष में। जूट की खेती होती है उष्ण व नम वातावरण में। इसके लिए भी आपको वातावरण, जितने भी आपके तने वाले पौधे हैं उसके लिए उष्ण और नम वातावरण की आपको आवश्यकता होती है। जूट के रेशों से तैयार किए जाते हैं, जूट के रेशे हैं उससे क्या तैयार किया जाता है, क्योंकि जूट का रेशा है इससे कपड़े हैं वो नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका रेशा कैसा होता है, कड़कीला होता है, इस कारण इससे बोरे, रस्सी, टाट, चटाई, इस तरीके के वस्त्रों को बनाने के लिए इनका उपयोग है वो किया जाता है।
तो आपको ये प्रश्न है कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, क्योंकि जितने भी हम रेशे बढ़ रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए ही होते हैं। बल्कि ये जो हमारा जूट होता है ये क्या होता है, बोरे और रस्सी बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। जूट का रेशा होता है वनस्पतिक रेशा होता है, आपको पता है वनस्पति से प्राप्त होने वाला रेशा है जूट, और वनस्पति में भी किससे प्राप्त होने वाला है, तने से प्राप्त होने वाला रेशा जूट कहलाता है। जूट के पौधे की लंबाई कितनी मानी गई है, जूट के पौधे की लंबाई 6 से 12 फीट तक की देखी जाती है। जिस तरीके की खेती होती है फसल की लंबाई चौड़ाई है वो फसल के मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। जूट के रेशों पर सूक्ष्म जीवों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जीवाणुओं के लगने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा देखी जाती है, तो जीवाणुओं का प्रभाव है वो जूट के रेशों के ऊपर ज्यादा माना जाता है। जूट का कितना प्रतिशत उत्पादन बांग्लादेश में होता है, ये हमने पढ़ा है कि बांग्लादेश का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने में इसकी भूमिका होती है। तो ये पूरे भारत में जितना हमारा जूट का उत्पादन होता है उसका अकेला 85% भाग है ये हमारा बांग्लादेश उत्पादन करता है। तो आज की हमारी जो MCQ थी वो जूट और लिनन के ऊपर थी, कल हमने नायलॉन के बारे में देखा था। तो आपको ये सीरीज है वो कैसी लग रही है, तो प्लीज इसके ऊपर लाइक और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कैसा लगा है, और इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी इसका फायदा है वो उठा सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और जीके कंपटीशन की तैयारी है वो भी आपको साथ साथ करनी है।